ब्रेक के बाद अब बात करते हैं नीमच के ऑक्सीजन प्लांट की। रविवार को ऑक्सीजन प्लांट के लिए मशीनें नीमच आ गई है। करीब एक सप्ताह में मशीनें इंस्टॉल होकर लग जाएगी और ऑक्सीजन प्लांट का काम पूरा हो जाएगा। इस ऑक्सीजन प्लांट से 100 सिलेंडर रोज भरे जा सकेंगे। वही जिला अस्पताल के मरीजों को इसका लाभ मिलेगा। आखिरकार नीमच में ऑक्सीजन प्लांट के लिए मशीनों का इंतजार खत्म हो गया। रविवार को ऑक्सीजन प्लांट की मशीनें नीमच पहुंची। करीब एक हफ्ते में ट्रामा सेंटर के पीछे ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा। इस ऑक्सीजन प्लांट से रोज 100 ऑक्सीजन के सिलेंडर भरे जा सकेंगे। जिला अस्पताल के मरीजों को इसका लाभ मिलेगा। नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने ट्रामा सेंटर के पीछे प्लांट के प्लेटफार्म का निरीक्षण किया और समीक्षा की। इस दौरान विधायक परिहार ने मशीनों के बारे में जानकारी भी ली। विधायक परिहार ने बताया कि 55 लाख की लागत से प्लांट तैयार हो रहा है, जिसमें 30 लाख रुपए विधायक निधि से जारी किए गए थे और शेष राशि जनभागीदारी से पूरी की गई थी। समय जब आपाधापी हुई, ऑक्सीजन की कमी पड़ी, तो उनको ऑक्सीजन के अभाव में कई लोगों को खोना पड़ा और उस समय हमने ये निर्णय लिया था जिलाधीश महोदय और हमने बैठ के नीमच जिला स्थान पर एक ऑक्सीजन प्लांट लगे और उसके लिए मैंने विधायक निधि से भी 30 लाख रुपये और कुछ बाजार से इकट्ठे करके और 55 लाख का जनभागीदारी करके विक्रम के सहयोग से और हमने जनभागीदारी करके और इसको यहाँ स्थापित करने के लिए आर्डर दे दिया था। मल्लारगढ़ नारायणगढ़ और मनासा में पहले आर्डर दे रखे थे, इसलिए वहाँ लगने के बाद अभी जिलाधीश महोदय और हमने इनसे बात करी थी तो इनने कहा था 2-1 दिन में हम आएंगे, तो आज ये आ गए हैं और यहाँ प्लांट की स्थापना होगी और ऑक्सीजन की कमी दूर होगी। 55 लाख का ये प्लांट है और हमने सेट पहले ही बना के रख रखा, आपने देखा होगा, तो 5-7 दिन लगते हैं इसके प्रोसीजर में, वो पूरा होते ही ये प्लांट चालू हो जाएगा और ऑक्सीजन की हमें कोई कमी नहीं आएगी और ऑक्सीजन की पूर्ति हम करेंगे और अब तीसरी लहर आने वाली है, इसके पहले ये प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा। और वैसे भी हम लोग जगह जगह तैयारियां कर रहे हैं, चाहे जीरन में हो, अस्थायी बेड बनाने का काम कर रहे हैं लोग, तीसरी लहर की तैयारी कर रहे हैं और ये ऑक्सीजन प्लांट नीमच ज़िले में बहुत आवश्यक था और लंबे समय से इसका इंतजार था। देरी हुई है, देर हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकता। पत्रकार बंधु भी बार बार ये बात पूछते थे, लगातार हम इसमें मॉनिटरिंग कर रहे थे, जिलाधीश महोदय हमसे मैं स्वयं भी, और आज वो सफलता हमें प्राप्त हुई है। जल्दी से जल्दी ये लगकर तैयार होगा, नीमच की जनता को हम इसमें समर्पित करते हैं। ज़्यादा उस समय तो लग नहीं पाया, मगर इस तीसरी लहर के पहले यदि सुविधा मिल जाती है तो अच्छी बात है। और उस समय सब दूर से प्लांटों के ऑर्डर थे और सब दूर एक साथ लग नहीं सकते थे। मनासा में कुछ समय पहले लग गया है, वहाँ जगदीश देवड़ा जी ने और उनके क्षेत्र में भी लग गया, उन लोगों की अपील थी है, उन लोगों ने पहले पैसे जमा करा दिए थे, हम पैसे जमा कराने में थोड़ी देरी हुई थी, उसके बाद अन्य जगह के आर्डर थे और अब तो मध्य प्रदेश शासन ने भी एक बड़ा प्लांट मंजूर कर दिया है, तो वो भी जल्दी यहाँ लगेगा। और सीटी स्कैन वगैरह की मशीन की भी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान से बात की थी, वो भी अभी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अन्य गैस के प्लांट भी लगेगा, ये भी लगेगा और यहाँ जिला चिकित्सालय में और भी सुविधाओं की आवश्यकता है, डॉक्टर वगैरह की, वो भी पूर्ति करेंगे। स्टाफ की भी नई भर्ती चल रही है, भोपाल में भी चल रही है, तो हम चाहते हैं कि कोई भी इलाज के अभाव में दम नहीं तोड़े, इसलिए यह सारी सुविधाएँ हम यहाँ उपलब्ध कराएंगे। सिविल सर्जन बीएल रावत ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट की प्रतिदिन 330 लीटर ऑक्सीजन बनाने की क्षमता है, जिससे करीब 100 ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जा सकेंगे। ऑक्सीजन मशीनें प्लांट पर फिट की जाएगी। उम्मीद है एक हफ्ते में काम पूरा हो जाएगा और जिला अस्पताल को इसका लाभ मिलेगा। माननीय विधायक महोदय और सांसद महोदय और अन्य जनप्रतिनिधियों के सहयोग से प्लांट हमारे यहाँ बनने वाला है, इसकी 330 लीटर की कैपेसिटी मेरी जानकारी में, करीबन इसमें 100 सिलेंडर करीब रोज फिलिंग की कैपेसिटी रहेगी। प्लांट का सामान आ गया है तो उम्मीद है कि 1-2 हफ्ते के अंदर इंस्टॉल होके ये चालू हो जाएगा और जिला अस्पताल के मरीजों को इसका लाभ मिलने लग जाएगा। सर ये रिफिलिंग होगा इसमें या डायरेक्ट? इसमें दोनों ही सिस्टम रहेंगे, ये लाइन में सीधे सप्लाई भी करेगा और ज़रूरत हुआ तो हम सिलेंडर भी फिल कर सकते हैं। प्रतिदिन कितने सिलेंडर से भरा जा सकते हैं? इसमें लगभग 100 सिलेंडर के आसपास पर डे भरने की कैपेसिटी रहेगी।